नमस्कार, न्यूज वन एशियन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने होने वाले उपचुनाव के लिए अपना प्लान सेट कर लिया है। बता दें कि इस बार किन किन मुद्दों को लेकर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को घेरना है, इसके लिए पूरी रणनीति तेजस्वी यादव की तरफ से बना ली गई है। जो खास बात है वो ये है कि इस बार तीन अहम मुद्दे को उठाया जाएगा। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं तीन मुद्दे को लेकर इस बार आरजेडी आर पार की लड़ाई लड़ेगी, और वो भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी से, क्योंकि लगातार इस डबल इंजन की सरकार पर पहले भी तेजस्वी यादव ने कई बार कई तरह के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, खुलकर बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ पहले भी तेजस्वी यादव बोलते आए हैं। ऐसे में इस बार के होने वाले उपचुनाव में भी इन्हीं तीन मुद्दे को उठाने की तैयारी जो है तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव भी बिहार पहुंच रहे हैं, ऐसे में ये पूरी रणनीति आरजेडी की तरफ से बनाई गई है। खासकर अगर हम आरजेडी के प्लान की बात करें तो विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि किन किन विधायकों को किन किन क्षेत्रों में जाकर प्रचार करना है, लोगों से किस किस मुद्दे को लेकर बातचीत करनी है, और खासकर किस तरह से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के खिलाफ जाकर पूरी तरह से जो प्लान सेट करना है उसके लिए जिम्मेदारी पहले से ही विधायकों को सौंप दी गई है। आपको बताएं कि 30 अक्टूबर को बिहार में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में पूरी तरह से रणनीति आरजेडी की तरफ से बना ली गई है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के आगमन के बाद जो दिन निर्धारित किया गया है, यानी कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव प्रचार प्रसार करेंगे, और उसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। 25 और 27 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव प्रचार प्रसार करेंगे, और ऐसे में किस तरह से इस डबल इंजन की सरकार को घेरना है, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी जो है आरजेडी की तरफ से की जा रही है। आपको बताएं कि आरजेडी की तरफ से पहले ही इस बात का दावा किया जा रहे हैं कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, जीत सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की ही होगी, क्योंकि जिस तरह से बिहार की जनता इस महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, ऐसे में जनता भी इस बार डबल इंजन के सरकार के सपोर्ट में वोट नहीं देगी, और ये एक अच्छा मौका है आरजेडी के लिए। और यही वजह है कि इन्हीं तीन मुद्दे को उठाने की बात आरजेडी की तरफ से की जा रही है। बता दें कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, सिलेंडर के दाम में वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो आए दिन कई ऐसी खबरें आती है जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है, और यही वजह है कि इन्हीं तीन मुद्दे को उजागर करने की तैयारी जो है आरजेडी की तरफ से की गई है। आपको बताएं कि आरजेडी ने अपना पूरा प्लान सेट कर लिया है, विधायकों को जिम्मेदारी आरजेडी ने सौंप दी है, और यही वजह है कि इस बार के होने वाले उपचुनाव में आरजेडी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की ही होगी। तो बता दें कि जहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार हमेशा से ही लाल प्रसाद यादव के शासनकाल पर, रावड़ी देवी के शासनकाल पर सवाल खड़े करती रही है, अब उसी का जवाब देने की तैयारी तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि 16 वर्षों से इस डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है, नीतीश सरकार ने जो कुछ भी किया है, उसे उजागर करने की, सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जाएगी। और यही वजह है कि इस बार के होने वाले उपचुनाव में सिर्फ और सिर्फ तीन मुद्दे को ही अहम माना गया है, तीन मुद्दे पर ही काम करने की तैयारी आरजेडी की तरफ से की गई है, और ये तीन मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। देखने वाली बात होती है कि इस तीन मुद्दे पर आरजेडी कहां तक खड़ी उतर पाती है, क्योंकि इन्हीं तीन मुद्दे के सहारे, इन्हीं तीन मुद्दे पे जो है तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है और होने वाले उपचुनाव में इसका कितना फायदा आरजेडी को मिलता है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।